नेमर खेड़े के ग्राम गुड़ा में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के सोनू नामक युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं ढीमर खेरा थाना प्रभारी का नया रूप सामने आया, जहां नाबालिग से दुष्कर्म कर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी से साठगांठ कर 50,000 रुपए लेकर पूरा मामला रफा दफा करने की बात कही गई। यही नहीं, थाने में पदस्थ ASI जायसवाल ने पहले शिकायत लिखने के एवज में 1500 की डकार लिया। वहीं पीड़ित परिवार की विवश होकर न्याय ढीमर खेड़ा थाने में नहीं मिल रही, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जिला मुख्यालय पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सर मेरे साथ जबरदस्ती भगा के घर से, और मेरे होश भी नहीं था, मुंह में पट्टी बांधी जब मैं चिल्लाने की कोशिश की तो, और फिर जब वो मेरे को किडनैप करके ले गया और ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। कौन ले गया था आपको? सोनू। कहाँ के रहने वाला? वो मेरे गांव का रहने वाला है, गुड़ा का। फिर क्या कैसा क्या हुआ, कैसे बची आप? मुझे भैया मिल गए बस में। FIR पंजीबद्ध हो चुकी थी, बच्ची को दस्तयाब किया गया था और बच्ची ने मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष जो बयान दिए थे उस आधार पर धारा इजाफा करके कार्रवाई की गई थी। अब उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि बच्ची ने उस समय पूरे बयान नहीं दिए थे, वो अपने बयान में कुछ और बातें बता रही हैं, तो उसके लिए पृथक से फिर से बयान कराए जाएंगे और यदि उसमें कोई कार्रवाई शेष है तो उसको इस संबंध में भी उनसे लिखित जो शिकायत पत्र है वो प्राप्त किया गया है और उसकी विभागीय जांच करके यदि किसी अधिकारी की कोई गलती है तो उसको